करनाल के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथरस गैंगरेप मामले में मौन होकर सत्याग्रह एवं धरना दिया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने नेतृत्व करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हाथरस रेप कांड को लेकर जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर मौन रूप से सत्याग्रह रखने का आह्वान किया गया है, जिसके चलते आज यहां करनाल के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, विधायक एवं कार्यकर्ता मौन व्रत सत्याग्रह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के यूपी हाथरस में जाने से वहां की सरकार डर गई थी कि कहीं सरकार की नाकामी एवं कारगुजारी सामने ना जाए, इसीलिए राहुल गांधी के साथ यूपी में धक्का मुक्की की गई एवं उनको गिराया गया। लेकिन राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने का संकल्प लिया था और वह अपना संकल्प पूरा करते हुए पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार राहुल गांधी के आने से भयभीत हो गई थी कि कहीं पीड़ित परिवार की सच्चाई सामने ना जाए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, विधायक शमशेर सिंह गोगी, नरेंद्र सांगवान, राकेश काम्बोज, भीमसेन मेहता, ललित बुटाना समेत कई मौजूद रहे। उससे भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी ने इस भय से कि राहुल गांधी के जाने से सच उजागर हो जाएगा, गरीब के आंसू पुछ जाएंगे, कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा, इसलिए राहुल गांधी को धक्का मुक्की की गई, के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनको रोका। मीडिया का भी नहीं जाने दिया, को हटाया नहीं गया, सीबीआई को जांच दे, लोगों को कहने के सीबीआई तो सरकार की ही है। देखिए, जो पीड़िता है उसका परिवार कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए, वो सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं, ना सीबीआई की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा, इस बारे में कहते हैं। देखिए, अनिल विज कह रहे हैं, अनिल विज की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसको किसी अच्छे अस्पताल में दिखाना चाहिए। अगर विज में हिम्मत है तो अब कल राहुल गांधी आ रहे हैं, अपनी छाती अड़ा के वहाँ पर बैठे। कहाँ कहाँ का दौरा, कहाँ तक पहुँचेंगे राहुल गांधी? कहाँ तक पहुँचेंगे? कहाँ कहाँ? रीवा से स्टार्ट होकर और करनाल, करनाल में अनाज मंडी में समापन होगा। दो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.